नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्यूब पे, गूगल पे और जितने भी सोशल मीडिया है उसके ऊपर एक जो खबर है वो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही है। तो मैंने सोचा कि आप सभी को वीडियो बना के बता दूँ कि क्या ये न्यूज़ सच्ची है कि झूठी है, क्या है इसके पीछे की वजह और क्या है इसका असल रीज़न। तो दोस्तों ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए। दोस्तों हम बात कर रहे हैं किंग्स इलेवन पंजाब की जो को ओनर है प्रीति जिंता और वीरेंद्र सहवाग के बीच में हुए मसले की। दोस्तों दरअसल जितने भी न्यूज़ रिपोर्ट है और जितने भी अखबार है उसके अंदर ये बहुत बड़ी खबर छाप दी गई थी कि जो प्रीति जिंता और वीरेंद्र सहवाग है उन दोनों के बीच में आपसी अनबन हो गई है, क्योंकि जो पंजाब की टीम थी वो मैच हार गई थी, जिसके चलते दोस्तों जो है वीरेंद्र सहवाग पंजाब की टीम को छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ये जो जितनी भी न्यूज़ चल रही है कि वीरेंद्र सहवाग पंजाब की टीम को छोड़ देंगे, उनका झगड़ा हो गया है प्रीति जिंता के साथ में, ये सारी न्यूज़ फेक है। जी हाँ दोस्तों, एक बार और सुन लीजिए, जितनी भी न्यूज़ चल रही है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गूगल पे, व्हाट्सएप पे, ये सारी की सारी न्यूज़ फेक है। और दोस्तों इसका जो है खुलासा खुद प्रीति जिंता ने अपने ट्विटर अकाउंट पे किया है। वहाँ पर दोस्तों उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो मुंबई मिरर एक अखबार है वो दोस्तों फिर से गलत साबित हुआ कि हमारे जो आपसी बातचीत को वो एक झगड़ा समझ बैठा। और दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि जो वीरेंद्र सहवाग है वो पंजाब की टीम के साथ 5 साल से जुड़े हुए हैं और एक छोटी सी हार से क्या वीरेंद्र सहवाग पंजाब की टीम को छोड़ देंगे, क्योंकि इतना बड़ा झगड़ा तो हो नहीं सकता है। और दोस्तों ये जो खबर है कि वीरेंद्र सहवाग पंजाब की टीम को छोड़ देंगे बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही है और ये जो है बिल्कुल भी सच्ची नहीं है। और दोस्तों दुख तो इस बात का है कि इतने बड़े बड़े जो अखबार है, इतने बड़े बड़े रिपोर्ट है, वो दोस्तों ऐसी फेक खबरें छाप दे रहे हैं, क्योंकि उनको जो है सिर्फ मार्केटिंग चाहिए, सिर्फ उनको न्यूज़ चाहिए जो कि वायरल हो सके। तो दोस्तों आप सभी जो है इन झूठी खबरों से हमेशा के लिए दूर रहिए। अगर आपको हमेशा के लिए सच्ची खबरें चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी याद से दबा दीजिए, ताकि आपको जो है ऐसे ही सच्ची खबरें रोज़ाना मिलती रहे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।